इसरो ने चांद पर विक्रम लैंडर की स्थिति का पता लगा लिया है। ऑर्बिटर ने थर्मल इमेज कैमरा से उसकी तस्वीर ली है। फिलहाल विक्रम लैंडर से कोई संचार स्थापित नहीं हो पाया है। इसरो चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम से संपर्क बहाल करने की कोशिश जारी रखे हुए है। इसरो प्रमुख सिवन ने कहा कि अंतरिक्ष एजेंसी 14 दिनों तक लैंडर से संपर्क बहाल करने की कोशिश करेगी। इसरो के एक अधिकारी के मुताबिक चंद्रमा की सतह पर विक्रम की हार्ड लैंडिंग ने दोबारा संपर्क कायम करने को मुश्किल बना दिया है, क्योंकि ये सहजता से और अपने चार पैरों के सहारे नहीं उतरा होगा। अब वैज्ञानिक ऑर्बिटर के जरिए विक्रम लैंडर को संदेश भेजने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उसका कम्युनिकेशन सिस्टम ऑन किया जा सके। फिलहाल इन सारी बातों ने इसरो के सामने 5 सवाल खड़े कर दिए हैं। विक्रम लैंडर चांद की सतह पर उतर पाया या नहीं? क्या सूर्य की रोशनी विक्रम लैंडर तक पहुंच रही है? क्या विक्रम क्रैश हुआ या सतह पर दिशा भटक गया? अगर विक्रम लैंडर क्रैश हुआ तो कितना नुकसान हुआ? क्या विक्रम लैंडर दोबारा काम कर सकता है? चांद का एक दिन धरती के 14 दिनों के बराबर होता है, इस लिहाज से चांद पर अभी भी 12 दिनों तक उजाला रहेगा। जानकारों के मुताबिक विक्रम से संपर्क साधने के लिए ये दिन बेहद अहम है। अगर विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर सीधा होगा और उसे कोई नुकसान नहीं हुआ होगा तो दोबारा संपर्क की उम्मीद बरकरार रहेगी। हालांकि जब से इसरो को विक्रम लैंडर की स्थिति का पता चला, तब से देश में खुशी की लहर है। ऑर्बिटर के थर्मल इमेज भेजने से विक्रम से भी संपर्क की उम्मीदें बढ़ गई हैं। लेकिन विक्रम लैंडर से संपर्क साधने के बीच ये वो सवाल है जो इसरो के सामने चुनौती बनकर खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।